अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के पालन हेतु 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से विदा लेते हैं। समय की तीव्र गति के साथ वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान लंका का राजा रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है। सीता जी की तलाश में व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट रावण द्वारा घायल किए गए गिद्धराज जटायु से होती है। वे उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रभु, अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने वानर दल को आदेश दिया। हो रही रावण की सोने की लंका, हो न हो रावण ने माता सीता को वहीं छिपा रखा होगा। मैं उड़कर विशाल समुद्र को पार करके वहां जाऊंगा। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अत्यंत छोटा रूप धारण किया और माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां सीता माता दुखी बैठी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने उनके सामने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी गिरा दी। ये अंगूठी तो मेरे श्री राम की है, कहाँ है मेरे प्रभु? तत्पश्चात हनुमान जी अपने वास्तविक विशाल काय रूप में सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने ही इस अंगूठी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। पुत्र हनुमान, उनका समाचार सुनाओ, वे ठीक तो हैं? हनुमान जी ने श्री राम का समाचार सुनाते हुए माता सीता को धैर्य रखने के लिए कहा। माता, आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका में लगे फल खाकर अपनी भूख मिटा लूं। माता सीता की स्वीकृति मिलते ही हनुमान जी ने खूब उछल कूद की और फल तोड़कर खाए। ये देखकर पहरेदारों ने उन्हें काबू में करना चाहा, लेकिन असफल रहे। अंततः रावण का पुत्र मेघनाद आया। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, क्योंकि वे भी लंकापति रावण से भेंट करना चाहते थे। तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। सीता माता की खोज में यहाँ आया हूँ। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें, इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सीता को लौटा दें? कदापि नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो, ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। आज्ञानुसार सैनिक हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते जाते हैं, जिससे सब सैनिक कपड़ा लपेटते लपेटते परेशान हो जाते हैं।
पूंछ में आग लगते ही हनुमान पूंछ छोटी कर लंका में आग लगा देते हैं। शुभ समाचार है, माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। अब नल नील की मदद से राम की सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण करती है, जिसके एक एक पत्थर पर श्री राम लिखा जाता है। सेतु के द्वारा राम सेना समुद्र पार करती है। इसकी सूचना रावण को मिलती है। लंकापति रावण की जय हो। राम वानर सेना सहित समुद्र पार कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इतना विशाल समुद्र पार कर लिया? लेकिन वे लंकापति रावण की शक्तियों से अनजान है। पिताश्री, आने दीजिए उन्हें, वे मेरे प्रहारों का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं ही पूरी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। सावधान मेघनाद, मेरे प्रहार से तुम बच नहीं सकते। मेघनाद के शक्ति बाण से आहत होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। ये मूर्छित हुए हैं, इनके उपचार हेतु पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत चमकीली होती है। इनकी जीवन रक्षा उसी संजीवनी बूटी से संभव है, अन्यथा प्रभु आप चिंता ना करें, मैं पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा, आप प्रतीक्षा करें। जय श्री राम। आए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिउर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रण क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाद चिंतित हो जाते हैं। इस संकट की घड़ी में रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। आज्ञा अनुसार सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाते हैं, शरीर के अंगों को खींचते हैं, कानों में हाथी से चिंघड़वाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण पर इन सब का कोई असर नहीं होता। अंत में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से कुंभकर्ण जाग जाता है। सुग्रीव कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। भ्राताश्री, यदि कुंभकर्ण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं। सेना की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं। महाराज,
आपके भ्राता कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भ्राता नहीं मर सकता। रावण शोक और चिंता में डूबा है, तभी मेघनाथ का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए, मैं राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। कहाँ है दोनों भाई राम लक्ष्मण? सामने आए और युद्ध करें। आज मैं प्रण करके आया हूँ कि उनका वध करके ही जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाद, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्ति बाण की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मेघनाद, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। लंकापति, एक दुखद समाचार है। राजकुमार मेघनाथ का लक्ष्मण ने वध कर दिया। असंभव। मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का वध कोई नहीं कर सकता। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दायां हाथ कट गया हो, किंतु उसका शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल गया। वो दमदमाता हुआ रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। श्री राम की जय हो। लंकापति रावण रणक्षेत्र में सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। सावधान लंकापति रावण। राम, अभी तू बालक है बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो ज्ञात ही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। घमासान युद्ध के दौरान श्री राम शक्ति बाण से रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। राम, तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, मेरा वध नहीं कर सकता। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में हैं। आप नाभि पर प्रहार करके ही रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण। समाप्ति के उपरांत विभीषण का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर सीता माता को सम्मान पूर्वक लाते हैं और श्री राम तथा माता सीता का मिलाप होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता मां, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने। जय
जय श्री राम।